दोस्तों गवर्नमेंट जॉब्स की अपडेट्स सबसे पहले पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा यूट्यूब चैनल द वायरल ज्ञान। द वायरल ज्ञान टीम की ओर से मैं सुनील आपका स्वागत करता हूँ इस वीडियो सेशन में। आज के इस वीडियो सेशन में हम बात करेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वैकेंसीज के बारे में। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपने डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में वैकेंसी रखी हुई है, तो आइए इस वीडियो में देखते हैं क्या वैकेंसीज है और क्या उनका रिक्वायरमेंट है। वीडियो स्टार्ट करें उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। सबसे पहली भर्ती की अगर हम बात करें तो सबसे पहली जो वैकेंसी है वो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने निकाली है। 190 वैकेंसीज है फैकल्टी के लिए। पे स्केल की अगर हम बात करें तो 16,824 से लेके 18,304 रुपए का पे स्केल रहेगा। जॉब लोकेशन चंडीगढ़ रहेगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है वो अलग अलग है, तो आपको उसके लिए पूरा नोटिफिकेशन करना पड़ेगा। नोटिफिकेशन और ऑनलाइन एप्लीकेशन की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में रख देता हूँ, आप वहाँ से चेक कर सकते हो। एज लिमिट बात करूँ तो 19 से लेके 48 अगर आपकी एज है तो आप एलिजिबल हो। सिलेक्शन का जो प्रोसेस रहेगा वो रिटर्न एग्जाम और इंटरव्यू के बेसिस के ऊपर रहेगा। एप्लीकेशन फी 350 रुपीज है जो आपको NEFT से पे करना रहेगा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी चंडीगढ़ के अकाउंट। इंपॉर्टेंट डेट्स की अगर हम बात करें तो स्टार्टिंग डेट है 2 जून और लास्ट डेट है 1 जुलाई। 1 जुलाई से पहले पहले आप अप्लाई कर सकते हो। इसके बाद की अगर वैकेंसी की बात करें तो इंडियन एयरफोर्स से रिक्रूटमेंट रखी हुई है। एयरमैन ग्रुप एक्स, एयरमैन ग्रुप वाई, एयरमैन ग्रुप वाई मेडिकल एसोसिएशन। नंबर ऑफ वैकेंसीज अभी कुछ स्पेसिफाइड नहीं है, लेकिन आपको थोड़े दिनों में उसकी जानकारी मिल जाएगी। पे स्केल की अगर हम बात करूँ तो एयरमैन ग्रुप एस को मिलेगा 14,600 रुपये का पे स्केल, एयरमैन ग्रुप वाई को मिलेगा 33,100 रुपये का पे स्केल, एयरमैन ग्रुप वाई मेडिकल असिस्टेंट ग्रेड ओनली को मिलेगा 26,900 का पे स्केल। जॉब लोकेशन की बात करूँ तो ऑल ओवर इंडिया में वैकेंसी है। इसका एजुकेशन क्राइटेरिया और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखते हैं तो एज लिमिट आपका 1999 से 2003 के बीच का होना चाहिए। सिलेक्शन का जो प्रोसेस होगा वो फिजिकल फिटनेस टेस्ट और एडेप्टिविटी टेस्ट और मेडिकल एग्जामिनेशन के बेस के ऊपर रहेगा। एप्लीकेशन फीस 250 रहेगी जो आपको एक्सिस बैंक के चालान से ऑनलाइन पे करना रहेगा। एप्लीकेशन जो है वो आप इंडियन एयरफोर्स के ऑफिशियल वेबसाइट से कर सकते हो, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। इसका एप्लीकेशन 1 जुलाई 2019 से स्टार्ट होगा, लास्ट डेट जो रहेगा वो 15 जुलाई रहेगा। डेट ऑफ एग्जामिनेशन 21 सितंबर से 24 सितंबर के बीच में होगी। इसके बाद की अगर वैकेंसी की बात करें तो जवाहर नवोदय विद्या समिति ने वैकेंसी रखी है 270 वैकेंसी टीचर की पोजीशन के लिए। पे स्केल जिसका है 26,250 से 27,500 के लिए। जॉब लोकेशन पुणे रहेगा। अगर एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करूँ तो आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए और एज लिमिट में कोई लिमिट नहीं है। सिलेक्शन जो प्रोसेस रहेगा वो आपका रिटर्न टेस्ट और इंटरव्यू के बेस के ऊपर रहेगा। इसमें एप्लीकेशन की भी कुछ भी नहीं है। एप्लीकेशन की अगर मैं बात करूँ तो आपको इसमें आपके डॉक्यूमेंट्स और एप्लीकेशन फॉर्म कुरियर करना पड़ेगा बिफोर 17 जून 2019 से पहले पहले, क्योंकि इसका लास्ट डेट 17 जून है, 17 जून से पहले पहले अप्लाई कर सकते हो। इसका नोटिफिकेशन का लिंक और एप्लीकेशन फॉर्म का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में देता हूँ, वहाँ से आप जानकारी ले सकते हो। इसके बाद की रिक्रूटमेंट पर्टिकुलर देखिए SSB के लिए है, सशस्त्र सीमा बल जो ऑलरेडी सशस्त्र सीमा बल में है लेकिन एक पोजीशन हायर जाते हैं जनरल ड्यूटी के लिए कॉन्स्टेबल, तो उनके लिए वैकेंसी है। लेकिन इसमें सिर्फ 2 ही दिन है, आप अपने नियर बाय जो भी ऑफिस असिस्टेंट है, ऑफिस सुपरिटेंडेंट है, वहाँ पे जाके आप अप्लाई कर सकते हो। मैं आपको जानकारी दे देता हूँ, 290 कॉन्स्टेबल की रिक्वायरमेंट है, SSB से ही ये लोग रिक्रूटमेंट करेंगे। 7 जून से पहले पहले अप्लाई कर देना है, मतलब 2 ही दिन है। एक्सपीरियंस और एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करूँ तो मैट्रिक और इक्विवेलेंट होना चाहिए, मिनिमम 3 इयर्स का रेगुलर सर्विस होना चाहिए SSB में। और ज़्यादा जानकारी के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में रख देता हूँ और एप्लीकेशन फॉर्म का भी लिंक मैं रख देता हूँ, वहाँ से आप जानकारी ले सकते हो। एज लिमिट 35 साल। सिलेक्शन का जो प्रोसेस रहेगा वो फिजिकल टेस्ट और रिटर्न टेस्ट के पेज के ऊपर आएगा। रिटर्न टेस्ट में आपके जितने मार्क्स ऑक्यूपाइड होते हैं उस पेज पे आपका सिलेक्शन होगा। द एलिजिबल कैंडिडेट कैन सबमिट देयर एप्लीकेंट्स इन द प्रिस्क्राइब फॉर्मेट अलोंग विद नेसेसरी डॉक्यूमेंट टू देयर रिस्पेक्टिव यूनिट्स ऑन और बिफोर 7। मतलब एप्लीकेशन फॉर्म का मैं लिंक आपको दे देता हूँ, आपको आपका एप्लीकेशन फॉर्म और आपके पास जो डॉक्यूमेंट है आपको सबमिट कर देने हैं 7 तारीख से पहले। इसके बाद की अगर हम वैकेंसी की बात करें, इंडियन पोस्ट ने बम्पर वैकेंसीज निकाली हुई है। तकरीबन 1735 ग्रामीण देव सेवक की वैकेंसीज है
क्वालिफिकेशन सिर्फ 10th पास चाहिए, स्टार्टिंग डेट 6 जून है और लास्ट डेट है 5 जुलाई, एज लिमिट 18 से 40 ईयर। पे स्केल की बात करूं तो पे स्केल देखिए तीन वैकेंसीज है, फर्स्ट है ब्रांच पोस्ट मास्टर जिसको बीपीएम कहते हैं, उसके बाद है असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर जिसको एबी बीपीएम कहते हैं, और उसके बाद है डाक सेवक। ये तीन वैकेंसीज है और इन तीन वैकेंसीज में पे स्केल अलग अलग है। अगर आप मिनिमम TRCA फॉर 4 आवर्स करते हो या लेवल 1 है आपका TRCA तो आपको BPM में 12,000, ABPM और डाक सेवक में 10,000 सैलरी मिलेगी। अगर आप मिनिमम TRCA फॉर 5 आवर्स करते हो या लेवल 2 इन TRCA में करते हो तो BPM में 14,500 और ABPM डाक सेवक में आपको 12,000 सैलरी मिलेगी। एप्लीकेशन फी जो है वो है सिर्फ 100 रुपये OBC के लिए, EWS के लिए, अदर कास्ट के लिए मतलब जनरल कैटेगरी के लिए, और फीमेल शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब PWD कैंडिडेट के लिए कोई फीस नहीं है। दोस्तों बहुत अच्छी वैकेंसी है, इंडियन पोस्ट की वैकेंसी आप अप्लाई कर सकते हो। दोस्तों तो ये थी आज की सबसे बड़ी वैकेंसी जिसमें आप अप्लाई कर सकते हो। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।